हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू सरकारी नौकरी वाले बाबा। आई एम धनंजय। ESIC स्टेनो का रिटर्न का आपका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। ऐसे में एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि आपका लास्ट वीक में आ जाएगा, लेकिन अभी भी आपका रिजल्ट नहीं आया। RTI जो डाली गई थी उसमें ये रिप्लाई आया कि रिजल्ट आपका शॉर्टली आ जाएगा, लेकिन कुछ भी ऐसा डेट या एक्सपेक्टेड क्या वीक रहेगा वो भी कुछ भी ऐसा मेंशन वहां पर नहीं है। मैंने जो RTI डाली हुई थी उसमें और भी क्वेरी मैंने डाली हुई थी, लेकिन अभी तक उसका रिप्लाई नहीं आया। मैंने टेलीग्राम ग्रुप में डाला हुआ था उसका स्टेटस, अभी भी वो अंडर प्रोसेस दिखा रहा है। जैसे ही उसके बारे में अपडेट मिलेगी मैं उसके बारे में आपको जानकारी दे दूंगा। साथ ही साथ एक चीज मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा कि जितने भी स्टूडेंट्स जो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, अभी आपको रिजल्ट के साथ साथ स्किल टेस्ट पर भी फोकस करना है, क्योंकि आप भी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं और रिजल्ट आपका आ जाता है और मे भी हो सकता है 15 से 20 दिन बाद अगर आपका स्किल टेस्ट कंडक्ट करा लिया जाता है तो उस टाइम पे क्या आप इसके लिए तैयार हो, क्योंकि 10 टाइम्स कैंडिडेट आपका सिलेक्ट किए जाएंगे, उनमें से एक कैंडिडेट जो होगा वही कहीं ना कहीं सीट फिल किया है। एक सीट पे 10 कैंडिडेट है और उनमें से एक ही कैंडिडेट जो होगा वो फाइनल सिलेक्शन पाएगा। अब उनमें से 10 में से आप कौन सा ऐसा स्टूडेंट है जो पाएगा वो डिसाइड करोगे सिर्फ और सिर्फ आप, क्योंकि अगर आपके जो स्किल टेस्ट है वो अगर अच्छा है, अगर आप उसको अच्छे तरीके से निकाल लेते हो तभी कहीं ना कहीं आप क्वालिफाई कर जाओगे। आप एक एग्जांपल ले लीजिए SSC स्टेनो का। SSC स्टेनो में लगभग 13,000 कैंडिडेट पास किए गए थे और उनमें से स्किल टेस्ट क्वालिफाई किए 2132। तो आप खुद समझिए कि स्किल टेस्ट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ ही साथ एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ पर एक चीज और अलग से आपकी रहेगी, जो कि होगी आपकी टाइपिंग। स्किल टेस्ट के साथ साथ आपकी टाइपिंग भी रहेगी। अगर आपने ESIC स्टेनो की फाइनल रिजल्ट की PDF नहीं देखी है तो एक बार देख लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप में है, लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का दिया गया है। वहां पर आप देखोगे कि स्किल टेस्ट का क्वालिफाइड नॉन क्वालिफाइड लिखा हुआ और एक अलग से आपका टाइपिंग का भी आपका दिखा गया है। तो अगर आप इस भ्रम में टाइपिंग टेस्ट नहीं कंडक्ट कराया जाएगा तो वहां पर आपका स्टेनो के साथ साथ टाइपिंग टेस्ट भी आपका 30 मिनट का अलग से कंडक्ट कराया जाएगा। और अगर हम बात करें भाई स्किल टेस्ट आपका कब कंडक्ट होगा, क्योंकि कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स जो सोच रहे होंगे, तो लास्ट ईयर आपका हुआ क्या था कि लास्ट ईयर जब UDC का CST टेस्ट आपका कंडक्ट कराया गया था, ठीक है, उसी टाइम पर ही स्टेनो का भी कंडक्ट कराया गया था। तो इस तरीके से आप आशा लगा सकते हो कि स्टेनो का जो आपका स्किल टेस्ट है वो आपका UDC के साथ ही आपका कंडक्ट कराया जाएगा। ऐसे में तभी रिजल्ट जो है वो आपका डिले किया जा रहा है, क्योंकि जो CST की डेट है वो लगभग आप ये मानिए कि लगभग मई लास्ट तक आपकी आ सकती है, क्योंकि 30 अप्रैल को आपका एग्जाम होगा, लगभग आपका 17-18 मई को आपका रिजल्ट जो है वो आपका UDC मेंस का आ जाएगा। उसके 10 या 12 दिन बाद आपकी CST की डेट भी आपकी आ जाएगी और उसी डेट में ही आपका स्टेनो का भी कंडक्ट कराया जाएगा। ऐसे में आप सभी के पास बहुत ही कम समय बचेगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी 81 पर मिनट की आपकी डिक्टेशन आपकी बोली जाएगी 10 मिनट की, तो ये इम्पोर्टेंट आपके लिए होने वाला है। तो अभी से ही स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर दीजिए। बाकी अगर कुछ भी ऐसी अपडेट रिजल्ट के बारे में रहेगी, RTI के बारे में आएगी, तो मैं आपको चैनल पे बताता रहूंगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आपको टाइम से नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। बाकी टेलीग्राम ग्रुप पे आप जरूर ज्वाइन करें, वहां पर भी अपडेट्स आपको कुछ ना कुछ मिलती रहती है। ओके।